तो आपको याद होगा मैंने लाल किले से 15 अगस्त को देशवासियों को एक बात के लिए आग्रह किया था और मैंने कहा था कि हम देशवासी लोकल खरीदने का आग्रह रखें। आज फिर से एक बार मेरा सुझाव है, क्या हम स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को प्रोत्साहन दे सकते हैं? क्या अपनी खरीदारी में उन्हें प्राथमिकता दे सकते हैं? क्या हम लोकल प्रोडक्ट को अपनी प्रतिष्ठा और शान से जोड़ सकते हैं? क्या हम इस भावना के साथ अपने साथी देशवासियों के लिए समृद्धि लाने का माध्यम बन सकते हैं? साथियों, महात्मा गांधी ने स्वदेशी की इस भावना को एक ऐसे दीपक के रूप में देखा जो लाखों लोगों के जीवन को रोशन करता हो, गरीब से गरीब के जीवन में समृद्धि लाता हो। 100 साल पहले गांधी जी ने एक बड़ा जन आंदोलन शुरू किया था। इसका एक लक्ष्य था भारतीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना, आत्मनिर्भर बनने का यही रास्ता गांधी जी ने दिखाया था। 2022 में हम हमारी आजादी के 75 साल पूरे करेंगे। जिस आजाद भारत में हम सांस ले रहे हैं, उस भारत को आजाद कराने के लिए लक्षावधि सपूतों ने, बेटे बेटियों ने अनेक यातनाएं सही है, अनेकों ने प्राण की आहुति दी है। लक्षावधि लोगों के त्याग, तपस्या, बलिदान के कारण जो आजादी मिली, जिस आजादी का आज हम भरपूर लाभ उठा रहे हैं, आजाद जिंदगी हम जी रहे हैं, और देश के लिए मन मिटने वाले, देश के लिए जीवन खपाने वाले नामी अनामी अनगिनत लोग, शायद मुश्किल से हम बहुत कम ही लोगों के नाम जानते होंगे, लेकिन उन्होंने बलिदान दिया कुछ सपनों को लेकर के, आजाद भारत के सपनों को लेकर के, समृद्ध सुखी संपन्न आजाद भारत के लिए। मेरे प्यारे देशवासियों, क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि 2022 आजादी के 75 वर्ष हो रहे हैं, कम से कम ये 2-3 साल हम स्थानीय उत्पाद खरीदने का आग्रही बने, भारत में बना, हमारे देशवासियों के हाथों से बना, हमारे देशवासियों के पसीने की जिसमें महक हो, ऐसी चीजों को हम खरीद करने का आग्रह कर सकते हैं क्या? मैं लंबे समय के लिए नहीं कहता हूं, सिर्फ 2022 तक, आजादी के 75 साल हो तब तक। और ये काम सरकारी नहीं होना चाहिए, स्थान स्थान पर नौजवान आगे आए, छोटे छोटे संगठन बनाए, लोगों को प्रेरित करें, समझाएं और तय करें, आओ हम लोकल खरीदेंगे, स्थानीय उत्पादों पर बल देंगे, देशवासियों के पसीने की जिसमें महक हो वही मेरे आजाद भारत का सुहाना पल हो। इन सपनों को लेकर के हम चलें।